मैं हूं शोभानंदन। आप सभी को नमस्ते और वीडियो पर क्लिक करने के लिए आपको धन्यवाद। आज बनाएंगे कैरेमल खीर। चलिए बनाना शुरू करते हैं। खीर बनाने के लिए 2 लीटर फुल क्रीम दूध को उबलने के लिए गैस पर रख देंगे। दूध के अंदर 250 ml पानी डाल देंगे। अगर इससे कम मात्रा में पानी का यूज़ आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इससे ज़्यादा पानी का यूज़ ना करें। 1/2 कप खिचड़ी और खीर बनाने वाले चावल को वॉश करके भिगो कर रख देंगे। दूध में उबाल आने के बाद गैस की फ्लेम को लो पे करके वॉश करके रखे हुए चावल दूध में डालकर गैस की फ्लेम को एक बार फिर से हाई पे कर देंगे। चावल दूध में डालने के बाद एक बार चला देंगे जिससे कि चावल तले में जाके ना लगे। दूध में दोबारा से उबाल आने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम या लो पे करके खीर को पकाएंगे। 1/4 कप के करीब सूखा नारियल डालकर मिक्स कर लेंगे। क्योंकि हम सूखे नारियल का यूज़ कर रहे हैं, उसको सॉफ्ट होने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट में से सूखा नारियल डालकर ही मिक्स करेंगे। बीच बीच में खीर को चलाते रहेंगे। खीर को चलाना ज़रूरी है क्योंकि खीर के चावल तले में जाकर लग जाते हैं। खीर के चावल पकने तक ड्राई फ्रूट निकाल लेते हैं। 1/4 कप बादाम, 1/4 कप किशमिश, 1/4 कप काजू, सभी ड्राई फ्रूट को कट करके रख लेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा या अपनी पसंद के अनुसार दूसरे ड्राई फ्रूट का भी यूज कर सकते हैं। फ्राई पैन में 2 चम्मच देसी घी डालकर हल्का सा गर्म हो जाने के बाद गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखते हुए ड्राई फ्रूट को गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने तक तल लेंगे। सबसे पहले काजू और बादाम डालकर तलेंगे। किशमिश हम बाद में डालेंगे क्योंकि किशमिश बहुत ही जल्दी जल जाती है। काजू बादाम का कलर गोल्डन ब्राउन आ चुका है। अब इसमें किशमिश भी डालकर थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। किशमिश को ज़्यादा देर भूनने की ज़रूरत नहीं है। किशमिश में भी हल्का सा कलर आ चुका है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। ड्राई फ्रूट को प्लेट में निकालकर ठंडा होने के लिए रख देंगे। खीर के चावल जब पकने वाले होते हैं तो इस समय पर दूध के बर्तन से उबलकर बाहर गिरने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए दूध को लगातार चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम को लो पे रखेंगे। दूध के बर्तन के किनारों पर जो मलाई लगी है उसको हटाते हुए खीर के अंदर मिक्स करते जाएंगे। इससे खीर गाढ़ी और मलाईदार बनकर तैयार होती है, इसलिए बर्तन में चारों तरफ लगी हुई मलाई को हटाकर खीर में मिक्स कर लें। खीर के चावल चेक करके देखेंगे। खीर के चावल अच्छी तरीके से गल चुके हैं। चावल के अच्छी तरीके से गल जाने के बाद ही हम खीर में मीठा डालकर मिक्स करेंगे। उससे पहले अगर हम मीठा मिक्स कर देंगे तो खीर के चावल गल नहीं पाएंगे। गैस की फ्लेम को लो पे रखते हुए फ्राई पैन के अंदर 1/2 कप देसी खांड डालकर खांड के कैरेमलाइज होने तक पकाएंगे। चीनी का कैरेमल बनाकर भी आप खीर के अंदर मिक्स कर सकते हैं। चीनी कैरेमल वाली खीर की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। देसी खांड का कैरेमल बनाने में आपको परेशानी ना हो, इसलिए मैंने वीडियो को पूरा अपलोड किया है, और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। लो फ्लेम पर कैरेमल बनाने में आपको ज़्यादा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन गैस की फ्लेम को मीडियम या हाई पे करने से कैरेमल जल जाएगी, इसलिए आपको लो फ्लेम पर ही कैरेमल बनाकर तैयार करना है। लो फ्लेम पर पकाते हुए कैरेमल बनकर तैयार हो चुकी है। कैरेमल को डायरेक्ट खीर वाले बर्तन में डालकर मिक्स कर लेंगे। कैरेमल खीर में मिक्स करते समय गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखेंगे, नहीं तो दूध बर्तन से बाहर गिर पड़ेगा। खीर में मिक्स करने के तुरंत बाद कैरेमल आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगी, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे दूध में ये उबलती जाएगी खीर में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी। कैरेमल को दूध में मिक्स होने में थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी। कैरेमल वाले बर्तन में थोड़ा दूध डालकर रख देंगे, इससे बर्तन में लगी सारी कैरेमल निकल जाएगी। बर्तन में लगी हुई सारी कैरेमल निकल चुकी है, आप देख सकते हैं बर्तन बिल्कुल साफ हो चुका है। चम्मच में लगी कैरेमल को निकालने के लिए थोड़ी देर इस चम्मच को खीर के अंदर ही छोड़ देंगे, इससे कैरेमल मेल्ट होकर खीर के अंदर मिक्स हो जाएगी। खीर काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, खीर को एक बार चला लेंगे। चम्मच भी अच्छी तरीके से साफ़ हो चुका है, खीर भी बनकर तैयार है। खीर आप अपनी पसंद के अनुसार पतली या गाढ़ी रख सकते हैं। अगर आपको खीर को तुरंत सर्व करना है तो थोड़ा गाढ़ा और कर लीजिए, लेकिन अगर आपको फ्रिज में रखकर ठंडी करके खीर खानी है तो एकदम परफेक्ट है। गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए क्योंकि खीर ठंडी होने के बाद काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। खीर बनकर तैयार है। ड्राई फ्रूट डालकर मिक्स कर देंगे। थोड़े ड्राई फ्रूट गार्निशिंग के लिए रख लेंगे।
ड्राई फ्रूट मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम को बंद करके थोड़ी देर के लिए खीर को रख देंगे, उसके बाद सर्व कर लेंगे। खीर को 10 मिनट रखने के बाद खीर काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। खीर चमचे से गिराने पर चावल और दूध एक साथ गिरना चाहिए, यही परफेक्ट खीर की पहचान होती है। कैरेमल खीर बनाने की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई है, रेसिपी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए। रेसिपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कॉमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो में।